अंदर आ जाइए। आपने डिजिटल इंडिया की बात की, हाउडी मोदी तक जा पहुँचे, दस सरकार के लाने की बात की, सर्जिकल स्ट्राइक करने बालाकोट जा पहुँचे, बुलेट ट्रेन और धारा 370 की बात की, वो भी वादा निभाया है। अभिनंदन अभिनंदन, दो दिन में वापस लौटा, पूरे देश ने 56 इंच सीना दिखाया है। संख्या नंबर 13 सुरेश वर्मा जी। अच्छे दिन की बात अब मत कीजिए महान साहब, जिन कॉलोनियों को रेगुलराइज किया गया है उनसे जाकर पूछिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि यह बड़े हर्ष का विषय है कि अब दिल्ली का सही मायने में विकास हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने मुफ्त में मकान नहीं बनाए हैं, यहाँ लोग मेहनत करते हैं, रिक्शे चलाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, ये लोग मेरी दिल्ली की रीढ़ की हड्डी है जनाब। अध्यक्ष महोदय, ये कॉलोनियां 5 साल में नहीं बनी, ये कॉलोनियां 50 साल से वजूद में है। इन कॉलोनियों में कोई सांसद 1 रुपया नहीं लगा सकता था, भारत सरकार भी 1 रुपया नहीं लगा सकती थी। यदि इन कॉलोनियों को कोई विकास कर सकता था तो वो थी दिल्ली सरकार। आप करने दो तब ना। आपको पता सब है, बस बोलना है बीच में। मुझे खुशी है कि मेरे प्रधानमंत्री ने दिल्ली की जनता का दर्द समझा है, 40 लाख लोगों के सिर पर छत दे। आपका समय खत्म हो रहा है। सर प्लीज, सर मैं 2 लाइनों में अपनी बात पूरी करूंगा। इतिहास लिखाया है जो जख्म दिल्ली पर, इतिहास लिखाया है जो जख्म दिल्ली पर, उनको आज मिटाना है। बहुत देखे हैं मुगल तुगलक अंग्रेज, बहुत देखे हैं मुगल तुगलक और अंग्रेज, अब दिल्ली को राम राज्य दिखाना है। धन्यवाद। संख्या नंबर 14 प्रिया जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कॉलोनी की संख्या ऐसी रखी है जैसे चाइनीज बार की सेल लगी हो, हर माह 99। अगर इस बात को हजम कर भी लिया जाए तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूंगी कि उन 69 कॉलोनियों को जिन्हें इस बिल से बाहर रखा गया है, वहां के निवासियों का क्या कसूर है? आखिर क्या वजह है कि 70 कॉलोनियों के साथ ही अन्याय किया जा रहा है? शांत हो जाइए। अध्यक्ष महोदय मैं अपने प्यारे दोस्त को उनके डायलॉग्स के लिए बधाई देती हूँ, लगता है किसी अच्छे राइटर से लिखवाए हैं। पर मैं आपको एक सलाह देती हूँ कि आप जरा होमवर्क करके आया करें और जरा अपडेट रहा करें। अजी क्या अपडेट रहा करे, उन 69 कॉलोनियों को जिन्हें रईसों की कॉलोनी कहकर छोड़ दिया गया, यानी पैसा कमाना गुनाह हो गया है। अध्यक्ष महोदय, लेट मी क्लेरिफाई वन एंड ऑल, इस बिल के पास होते ही नेक्स्ट फेज में हमें 69 कॉलोनीज में काम शुरू करवा देंगे। अगली बारी इन्हीं लोगों की है। माननीय अध्यक्ष महोदय।